नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक प्रधान है। मैं पिछले 15 सालों से यूएस में रहता हूं और एज ए साइंटिस्ट हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के ऊपर रिसर्च करता हूं। जैसे कि कुछ कुछ कैंसर में दवाई क्यों नहीं काम करता है या अच्छा वैक्सीन कैसे बनता है, उसके ऊपर मैं स्टडी करता हूं। आज मैं आपसे गंधमार्दन अकेडमी ऑफ साइंस के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा इतने सालों से इंडिया से बाहर रहने का जो अपना अनुभव है, उसमें मैंने यही देखा है कि हमारे देश के स्टूडेंट्स में बहुत टैलेंट्स है। इसलिए एजुकेशन सेक्टर में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए हम पदमपुर में एक एकेडमी शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है गंधमार्दन एकेडमी ऑफ साइंस। इट इज बेसिकली ए फाउंडेशन स्कूल नेम्ड आफ्टर गंधमार्दन हिल्स एट नृसिंहनाथ। रामायण में आप गंधमार्दन के बारे में सुने होंगे। जब हनुमान लक्ष्मण को बचाने के लिए गंधमार्दन हिल को हिमालय से लंका लेके आ रहे थे, उसका एक टुकड़ा यहाँ गिर गया था। सिंस गंधमार्दन हिल्स इज ए फेमस लैंडमार्क इन आवर लोकेलिटी एंड वेरी रिच इन मेडिसिनल प्लांट्स, हमारा एकेडमी का नाम गंधमार्दन एकेडमी ऑफ साइंस रखे हैं। इसी एकेडमी का गोल है कि साइंस को प्रमोट करना और साइंस को फंडामेंटल लेवल पे टीच करना और साइंस के जरिए से सोसाइटी के लिए कुछ काम करना। इसी एकेडमी में मेनली हम 11, 12 के बच्चों को बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और इसके साथ साथ ही मेडिकल इंजीनियरिंग एंट्रेंस का तैयारी करवाएंगे और एडवांस करियर बिल्डिंग प्रोग्राम्स जैसे कि AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, कोडिंग, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर भी उतना ही ध्यान देंगे। इवन 9th-10th के बच्चों को स्टेम प्रोजेक्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ के प्रोजेक्ट्स करवाएंगे और अर्ली एज से ही बच्चों में साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करेंगे। और आने वाले समय में हमारी कोशिश यही रहेगी, जैसे सेटेलाइट बिल्डिंग, नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन डिजाइनिंग, ये सब टॉपिक्स भी अप टू MSc लेवल स्टूडेंट्स तक टीच करेंगे। बेसिकली हम एक एजुकेशन इकोसिस्टम बनाएंगे जिसमें हर बच्चे का टैलेंट फ्लोरिश करे। वैसे भी साइंस को एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इसी फील्ड में आसान और इनोवेटिव तरीके से पढ़ाएं तो साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साइंस टीचिंग को इंटरेस्टिंग करने के लिए हम एक नया एजुकेशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं CCAT, कनेक्ट द करिकुलम थ्रू एप्लीकेशन इन टेक्नोलॉजी, इसका हम यूज करेंगे। जैसे कि हम पढ़ते हैं, उसका यूज कैसे टेक्नोलॉजी में होता है वो भी दिखाएंगे, तो बच्चों में अंडरस्टैंडिंग, क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। जैसे कि हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला याद करके मार्क्स लाते हैं और उसके बाद हमको पता भी नहीं चलता कि उसका यूज आगे क्या है। लेकिन हम अगर उसी साइन का फार्मूला लेके लाइट का बिहेवियर या पानी की गहराई या बिल्डिंग की ऊंचाई मापेंगे तो बच्चों में अंडरस्टैंडिंग होगी और क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी, एंड दैट विल बी द ट्रू एजुकेशन। देयरफॉर वी मस्ट कनेक्ट द करिकुलम विद द टेक्नोलॉजी। रटने वाली पढ़ाई नहीं, लर्निंग शुड बी एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। बच्चे जब खुद एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व करेंगे तो दैट विल डेवलप क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। इसी एकेडमी के साथ साथ हम कार्तिक प्रधान फाउंडेशन के जरिए से सोसाइटी के लिए कुछ और काम करने के लिए प्रयास करेंगे, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हेल्दी लाइफ स्टाइल्स, इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में अवेयरनेस देना, हार्ट, कैंसर, ये सब के ऊपर भी लोगों को टीचिंग देना और ज़रूरतमंद बच्चों को जितना हो सके हम आगे बढ़ने के लिए एफर्ट लगाएंगे कि कोई भी बच्चा का एजुकेशन, उसका प्रोग्रेस सही गाइडेंस ना मिलने से रुक जाए, ये हम नहीं होने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे ये प्रयास को सपोर्ट करें और हमारे बच्चों के भविष्य बनाने में योगदान करें। आखिरकार
हमारे छात्रों का भविष्य ही हमारे देश का भविष्य है। धन्यवाद।